हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर में फ्रेंड्स, ये अपना रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर की बात करेंगे आज हम, क्योंकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक तो कई तरीके के होते हैं फ्रेंड्स। जो आज मेरे पास है वो रिफ्लेक्टिव वाला सेंसर है, जो रिफ्लेक्ट से काम करता है। तो देख लेते हैं इसका मॉडल नंबर। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये सिक का मॉडल है, सिक मेक कंपनी का मेरे पास रेट्रो ये है। और इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं, जो GL6P1211। तो फ्रेंड्स, जिसमें P1211 का मतलब है इसका मॉडल नंबर है। तो फ्रेंड्स, P1211, P का मतलब फ्रेंड्स PNP है। अगर यहाँ N होता फ्रेंड्स, ये मॉडल नंबर से ही हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है कि ये हमारा सेंसर PNP है या NPN है। तो ये P है, तो P से मतलब ये PNP है। तो ये इसका था मॉडल नंबर। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें और क्या क्या है। ये L और D है फ्रेंड्स, लाइट और डार्क। ये किसके यूज़ के लिए है ये मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स। अगर डार्क की तरफ रखेंगे हम, तो ये तो NO यूज़ करेंगे इसका, NO पे काम करेगा ये। नॉर्मली ओपन है, मतलब जब इसके बीच में कुछ पार्टिकल आएगा तो हमारा NC हो जाएगा। और L की तरफ करेंगे तो लाइट, यानी कि तो ये हमारा NC पे काम करेगा। तो हमें NO NC दोनों ऑप्शन है इसमें, जो भी हमारा लेना है हम ले सकते हैं। और देख लेते हैं क्या है इसमें। ये फ्रेंड्स इसकी रेंज के लिए है, इसकी रेंज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी सेंसिंग रेंज है जो, इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देख लेते हैं फ्रेंड्स और क्या क्या है इसमें। ये फ्रेंड्स इसमें आपके ड्यूल लेंस है, ड्यूल लेंस है। एक में आपका सेंडर है, एक रिसीवर है। एक सेंडर से जो वेव जाएगी वो रिफ्लेक्टर से टकरा के रिसीविंग में आएगी, तो हमें पता चलेगा हमारा सेंसर सही काम कर रहा है। इसकी सप्लाई वोल्टेज की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सप्लाई वोल्टेज इसका 10-30 वोल्ट DC है। इसकी सप्लाई 10 से ये ऑन हो जाएगा, 30 वोल्ट तक मैक्सिमम है। और इसके पावर कंजप्शन की बात करें तो 30 mA है। और स्विचिंग आउटपुट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये पी वाला मॉडल है, तो ये PNP है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इसके आउटपुट करंट की बात करें तो करंट इसका आउटपुट में हम 100 mA तक है। इसका रिस्पांस टाइम की बात करें तो 625 μs है। तो और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, तो काफ़ी अच्छी इसकी फ्रीक्वेंसी है, 1000 Hz की इसकी फ्रीक्वेंसी है स्विचिंग की। और ये इसके साथ में 2 मीटर केबल आती है फ्रेंड्स, और ये 3 वायर है। तो मैं आपको बताता हूँ इस 3 वायर में कनेक्शन कैसे कैसे हैं। और इसका एम्बियंट ऑपरेशन में इसका टेम्परेचर फ्रेंड 25 से 55 तक बढ़िया काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं इसको 3 वायर का दिखाता हूँ आपको, क्या क्या है कैसे कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये PNP सेंसर है ओनली, तो 3 वायर है इसमें फ्रेंड्स। अगर एक सेंसर हमारा आता है डबल, दोनों PNP और NPN दोनों आउटपुट होती हैं। एक सेंसर आता है ओनली NPN, तो उसमें भी 3 होंगी। जो दोनों का होगा फ्रेंड्स, उसमें 4 वायर होंगे। तो ये 3 वायर है। कलर कोड देख लेते हैं, ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है। तो उसमें ब्राउन जो है फ्रेंड्स, वो 24 वोल्ट DC है हमारा, मतलब सप्लाई देंगे सेंसर को जिससे ऑन होगी। ये माइनस है, 0 वोल्ट के लिए है, तो प्लस और माइनस वोल्टेज देंगे इसको 24 वोल्ट फ्रेंड्स। और जो ब्लैक है, ये स्टैंडर्ड कलर कोड है फ्रेंड्स। अगर 3 वायर होगा तो मैक्सिमम यही आपको कलर कोड मिलेगा। तो हमें ये गैस आइडिया हो जाएगा कि ये ब्राउन जो है पॉजिटिव, ब्लू हमारा नेगेटिव, और ब्लैक जो है आउटपुट है। तो हमेशा याद रखिए ब्लैक जो है आउटपुट। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक, मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा, ये मेरे पास एक SMPS है 24 वोल्ट की। ये 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट आउटपुट है, 5 एम्पीयर की मेरे पास है। तो उसकी कनेक्शन मैंने देखी, प्लस माइनस ले रखे हैं, प्लस रेड है, माइनस ब्लैक है। ये मैंने यहाँ टर्मिनल ब्लॉक लगाए हुए हैं, TV लगाए हुए हैं नॉर्मल, जो कनेक्शन करते हुए मैं TV में कर लूँगा तो जो आसानी रहे। तो मैंने टर्मिनल पे कर लिए प्लस माइनस 24 वोल्ट के। तो अभी मैं कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने देखिए DC ओके आ गया है, मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। देखते हैं यहाँ टर्मिनल ब्लॉक पे सप्लाई हमारी पहुँच रही है नहीं। तो मेरे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को DC सिलेक्शन करेंगे। ये DC वोल्ट पे सिलेक्शन गया है, देखिए DC वोल्ट पे मेरे पास लीड्स है मल्टीमीटर की।
तो ये देखिए रेड जो है एक नंबर पे लगाया हमने और ब्लैक माइनस पे। तो मल्टीमीटर की तरफ देखिए फ्रेंड्स, देखिए 24 वोल्ट आ गया हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैंने इसके कनेक्शन कर चुका हूँ सेंसर के, ये ब्राउन पॉजिटिव में और ब्लू जो है माइनस में। तो देखिए हमारा सेंसर जो है ऑन हो गया है, देखिए बीम बननी शुरू हुई है, रेड कलर की बीम दिख रही होगी आपको। तो अभी फ्रेंड्स फिलहाल इसमें ग्रीन लाइट जल रही है, तो जब तक इसमें येलो लाइट नहीं जलेगी तब तक हमारा सेंसर हेल्दी नहीं होगा। तो येलो लाइट देखते हैं फ्रेंड्स कब जलेगी। तो ये रिफ्लेक्टिव सेंसर है फ्रेंड्स, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर है। तो जब तक रिफ्लेक्टर इसके सामने नहीं करेंगे तो ये सेंसर हेल्दी नहीं होगा किसी भी पोजिशन। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा रिफ्लेक्टर है, ये देखिए ये किसी माउंटिंग में लगा हुआ था, ये ऐसे ही खोल लिया है। तो ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्टर के सामने सेंसर की बीम डालते हैं रिफ्लेक्टर पर। ये देखिए अब जब ये बीम जो है, ये रेड कलर की बीम दिख रही है, ये मैं रिफ्लेक्टर पर डालूंगा तो यहाँ पर येलो लाइट जलेगी। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स रिफ्लेक्टर पे बीम दिख रही होगी आपको, ये देखिए येलो एलईडी भी जल गई है ग्रीन की तरफ। तो येलो एलईडी जलने का मतलब है हमारा सेंसर जो है हेल्दी हो चुका है, हेल्दी पोजीशन में है। तो ये काम कैसे करेगा फ्रेंड्स, इसकी जो बीम को कट करेंगे, देखिए बीम जा रही है रिफ्लेक्टर पर, ये दिख रहा होगा आपको रेड कलर का बीम, ये देखिए रेड कलर का बीम। तो इसके बीच में अगर हम बीम को अगर क्रॉस करेंगे, बीम को काटेंगे किसी भी चीज़ से, तो हमारा ये सेंसर जो है येलो कलर की लाइट जो है ऑफ हो जाएगी, ये येलो वाली जो हेल्दी पोजीशन की थी। और हमारा जो ये ब्लैक वायर है सेंसर का, ये हमें 24 वोल्ट आउटपुट देगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये मैं लीड्स है मेरे पास, ऐसा करते हैं फ्रेंड्स इसकी आउटपुट में, अभी मैं आपको एक बार मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ, फिर इसमें आउटपुट में रिले लगाकर भी दिखा देता हूँ आपको, रिले ऑन हो जाएगी। तो देखिए मल्टीमीटर की रीड जो है मैंने ब्लैक पे रेड लगा दिया, और माइनस मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट दे दूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके आउटपुट में मल्टीमीटर लगा लिया है, तो मल्टीमीटर अभी 23 वोल्ट निकाल रहा है आउटपुट। तो जैसे मैंने आपको बताया लाइट और डार्क का ऑप्शन है इसमें, तो इस टाइम लाइट पे करा हुआ है और एनसी हमें मिल रहा है, तो एनसी हमें मिल रहा है नॉर्मल में 24 वोल्ट हमें मिल रही है। तो इसको कट करके देखते हैं, ये देखिए मैं हाथ करता हूँ तो ये रिफ्लेक्टर की बीम है जो कट जाएगी, और हमारे मल्टीमीटर की जो 23 वोल्ट आ रहा है वो 0 वोल्ट हो जाएगी। और ये देखिए देखिए मल्टीमीटर की तरफ 0 वोल्ट हो गया है, इसकी बीम कट चुकी है, जो सेंसर पे येलो लाइट थी वो भी कट चुकी है। दोबारा देखिए मैं हटा रहा हूँ तो बीम वहाँ पर पहुँची है, और दोबारा 23 वोल्ट हमारी आ गई है। अब मैं इसको डार्क करके दिखा देता हूँ, अभी ये लाइट था तो एनसी था, तो एनओ करके दिखा देता हूँ ये कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं। ये लाइट डार्क ऑप्शन है, यहाँ पे लाइन टेस्टर से हम इसको ये देखें क्लॉक वाइज घुमा दिया मैंने इसको, ये लाइट पे कर दिया फ्रेंड्स इसको मैं, अभी नॉर्मल में 0 वोल्ट देगा, जब सप्लाई हमारी बीम कट जाएगी तो ये 24 वोल्ट देगा फ्रेंड्स। अभी देखिए ये बीम हमारी जो आ रही है सेंसर पर रिफ्लेक्टिव है, और मल्टीमीटर की तरफ देखिए 0 वोल्ट है, मैं बीम को क्रॉस करता हूँ काटता हूँ तो देखिए 23 वोल्ट हमारी आउटपुट आ गई है। तो एनओ एनसी दोनों पे हम इसको कर सकते हैं, जैसा भी हमारी एप्लीकेशन है ऐसा हम ले सकते हैं। ये फिलहाल एनओ है, कोई भी सामने अगर जैसे इसकी बीम कट करेगा तो ये हमारा वोल्टेज आउटपुट निकालेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रिफ्लेक्टिव सेंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।